हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ। टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर करने पर उसके चार भेद आते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है व्याकरण और उसके प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ क्रमशः हम देखते हैं कि विभिन्न आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पांच भेद में बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार के शब्द होते हैं। दूसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। उसके बाद है तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भाग में बांटते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के अंतर्गत कई शब्द आते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिनार्थक शब्द इत्यादि। निरर्थक शब्द का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद है चौथा है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। तो सबसे महत्वपूर्ण है व्याकरण और प्रयोग के आधार पर दो तरह से शब्दों को बांटते हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तित होने वाले शब्द, जो कर्ता, लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार के शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन किसी भी स्थिति में जब ये अव्यय शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं तो परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसा रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं अव्यय, जितने भी अव्यय शब्द हैं वे अविकारी शब्द माने गए हैं, जिसमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और निपात। तो इस प्रकार यह शब्दों का वर्गीकरण जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे हम अलग अलग, हर भेद को हम अलग अलग रूप में इसे विस्तार से हम पढ़ेंगे। और अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना जाना है कि यह कितने प्रकार के शब्दों को, विभिन्न आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक को, एक एक भेद को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, संकर क्या है और रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ क्या है। सार्थक शब्द के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वे सब क्या हैं और विकारी शब्द कैसे, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण और क्रिया ये सब कैसे परिवर्तित होते हैं। यह बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसे खंड खंड करके बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।